मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली, हरी मिर्च, लहसुन और नमक। मैंने यहाँ पे 2 लहसुन की कलियों का यूज़ किया है। इसके साथ ही मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी 1 हरी मिर्च। आप अपने स्वादानुसार हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोस्टेड पीनट्स, ये मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखी हुई थी। और इसके साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के दही। दही को ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे पहले पूरी तरह से ग्राइंड नहीं करना है, हम इसे हाफ ही ग्राइंड करेंगे। और हाफ ग्राइंड करने के बाद हम इसमें थोड़ा और कर्ड ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुई है। यहाँ पे चटनी का जो पेस्ट है वो काफ़ी ड्राई है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के कर्ड, और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के पानी। यहाँ पे मैं दही का ही पानी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको चटनी जितनी भी पतली या गाढ़ी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से और पीस लेंगे। यहाँ पे चटनी अच्छे से पीस चुकी है। आइए अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता। यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के ऑयल। जैसे ही ये ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर दूंगी। और जैसे ही ये मस्टर्ड सीड्स चटकने लगेंगी हम इसे चटनी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी झटपट सी मूंगफली की चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को बनाना बहुत ही इजी है। आप इसे डोसा, इडली, उत्पम किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।